से ये आवाज आ रही है, हम सत्य हैं, हम सुंदर हैं। अब सत्य और सुंदर को जब आप चाहेंगे तो आपका सब प्राण सत्य पर आ गया, हर चीज सुंदर हो जाएगी, आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे अच्छे निकलेंगे, चाहे आपके पास कुछ हो चाहे ना हो, आपके सारे आपके गृहस्थी चलाने के पैसे हो या ना हो, सब काम चल रहा है कि नहीं। अब गुरु जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन वो अपना अंदर से वो आत्मशक्ति आपकी अपनी आत्मशक्ति और तुम्हारी आत्मशक्ति में एक तादाद होता है। हम सोच रहे हैं इसके लिए, गुरु के लिए, तो गुरु भी सोच रहे हैं हमारे लिए, ये हम भूल जाते हैं। ऐसा थोड़ी भाई तादाद बात हम कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं किसी का तो हमारा भी तो ध्यान चल करता है, तो ये खास बात है। हम इतने लोग गुरु को याद कर रहे हैं और एक गुरु सबके अंदर समाया हुआ है, यही तो योग है, और इससे हमें वियोग नहीं होना चाहिए। और वो यही रहा है कि संपदा भारत की है, और हमारे जो लोग हैं आज वो सब विदेशों में हाथ पैर जोड़ रहे हैं, उनसे मांगने जा रहे हैं, उनसे राय ले रहे हैं। अरे हमारे पास तो सब चीज है, बड़े से बड़े बैंक हैं, बड़े बड़े से डॉक्टर हैं, और कुछ नहीं, मुंह से कह दिया जाओ ठीक हो गया तो ठीक हो गया। सत्यम मुरिया प्रियम मुरिया, पर ये जरूर है गुरु ने कहा है कि भाई सत्य बोलो लेकिन कड़वा ना बोलो, प्री बोलो। प्री माने परमात्मा, अब परमात्मा चक्कर न पड़ो, आप प्रेम के चक्कर में पड़ जाओ, और शंकर जी के चक्कर में ना पड़ो, आप सत्य के चक्कर में पड़ जाओ। तो ये सत्य और प्रेम जब मिल जाते हैं तो अदार है कि ये हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग फिर वो समुद्र सागर में चले जाते हैं, और वो अंदर है आत्मा जो है आपके अंदर, यही आत्मा राम के अंदर है, यही कृष्ण के अंदर है, यही शंकर के अंदर है, यही आपके अंदर है। तो आप सोचिए ना कि आप कितने महान हैं, कोई उसने फर्क नहीं किया, कोई उसने आपसे भेद नहीं किया। आपकी छत में भी उतना बरसा रहा है और उतना एक फर्नीचर में यहाँ भी बरसा रहा है, उतनी सूरज की रोशनी आपको भी दे रहा है, अंबानी अदानी को भी दे रहा है बराबर से। तो ये समता अवस्था, ये विषमता को दूर करने वाली यही लोग में समझने की बात है कि आप जब अपने अंदर जाते हो तो क्या सोचते हो कि भाई अब ये देखिए कि यह नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अब ये कितनी चीजें आठ है ना, अष्टांग मार्ग है, तो पांच के बाहरी है, ये बाहर के लिए, और तीन अंदर है खाली, धारणा ध्यान समाधि। तो अगर होशियार हो तो आप ये पांचों अपना बाहर भी रख लो कोई बात नहीं, लेकिन ये तीन अंदर भी रख लो धारणा बढ़िया बना लो बहुत बढ़िया है, और ध्यान आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। धारणा अच्छी हो क्योंकि मन क्या करता है, ये इंद्रियां जो है, ये आंख है, आंख ने देखा, अम्मा ने क्या भावना बनाने लगा, विचार करने लगा, मंथन चिंतन करने लगा, ये बड़ी सुंदर है, वो बड़ी सुंदर है, अब वो इंद्रियां और मन, अब मन भी उसके साथ फंस गया जा करके, और उसमें दिक्कत यही है क्योंकि मन एक बड़ा शक्तिशाली भी है, और मन बड़ा भाई क्या कहा जाए इसको, ये पाप में भी है, पुण्य में भी है, राक्षस में भी है, देवता में भी है, बराबर से है, मतलब ये बात है, और निर्दोष है, दोष है तो हम में है, हम उसको अंदर लगा रहे हैं कि बाहर लगा रहे हैं, हम उसे अंदर का वो तो ज्योति की महाज्योति भी कहा गया है भाई मन को, तो मन कोई कमजोर चीज नहीं है, मन कोई साधारण चीज नहीं है। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, जब हम चित्त की वृत्तियों को रोकते हैं तो चित्त की वृत्तियां क्या है यही तो जानना चाहिए। तो मन की जो अंदर लहरें होती हैं हजारों लहरें, वही चित्त हो जाता है। अब वही हमें चित्त की ये पढ़ा है, हर तरफ से हमें जो करना है वो नहीं करा था, तो दुनिया भर के तुम्हारे पढ़ाई इधर चलो उधर चलो, तो हम ये मन की गुलामी कर रहे हैं। अरे मन क्या खुद उसको गुलाम बना लो, तो चलो उधर क्यों, कि आत्मा को परमात्मा ने पैदा किया है, और आत्मा ने प्राण पैदा किया है, प्राण ने मन पैदा किया है, प्राण से
बहुत मन लगता है। तो इसीलिए योगियों ने कहा प्राणायाम करो, ये कहीं जा नहीं सकता। अब आप जब सांस ऊपर करते हैं तो मन नीचे ऊपर चला जाता है, फिर नीचे चला आता, आसन करते हैं तो मन आपका एकाग्र हो रहा। देखिए ये फायदा है। लेकिन अब एक दिन ना करो, रोज रोज करो तो रोज रोज मन आपके चक्कर में फंस गया, अब वो बाहर जा ही नहीं पा रहा है। जैसे पिताजी ने कहा आज दिखाई नहीं पड़ना बाहर, नहीं तुम्हारी कटाई करें, बच्चे से कहता है ना ये अपना कोर्स पूरा कर लो। तो वो कोर्स है, फिर इसका फोर्स है, फिर इसकी बड़ी सोर्स है, और ये भाई आपके पास है और उसके पास आप हैं कि नहीं। माताएं बहनें हमारी हैं, ये रात दिन कितनी मेहनत करती है सोचो जरा। बहुत सबसे ज्यादा अगर गूंज है तो इन पर कोई पूछने वाला नहीं है। आज इनके अंदर जो शक्ति के अंदर कि भाई वो जागृति आ रही है कि हमें राग की जगह बैराग होना चाहिए। बच्चा तो ठीक है, आपने पाल दिया, पोस दिया, बढ़ा दिया, उससे उम्मीद न करो, उम्मीद अपने अंदर करो, अपनी आत्मा से करो। तो क्यों कि बीच मिले बीच छुट गई है, अंत काम कौनो न। बच्चे की शादी हो गई, पत्नी हो गई, उसके बच्चे हो गए, वो विदेश चला गया, अब वो कह रहा माता जी आप अमेरिका आ जाओ, हमारे पास टाइम नहीं, अब हम लिप्त हैं। अगर आप निवृत्त भाव होते, निवृत्त भाव की करो भाई सेवा हो गई, अब उसका फल बेटा नहीं देगा, वो देगा, आत्मा देगी। आत्मा आपके पास है और वो उसी की रोशनी से ये आंखें देख रही हैं, उसी की रोशनी से हम सोच रहे हैं, तो उस पर कोई हमारा मतलब वही नहीं है। क्या वो हमें रात दिन देख रहा है, हमारे लिए जिंदा है, हमारे लिए कितना कर्ज है हम पास, हमारा भी तो कुछ कर्ज है। और इसीलिए नहीं समझे तो लोगों को लग गया मन है, सब दुखी हैं, सब बीमार हैं, सब परेशान हैं, कोई टांग से, कोई दिमाग से, कोई पेट से, कोई काहे से, कोई काहे से। सुखी वही है, सुखी मीन जहाँ नीर आधा, जिन है सरल न एक और बाधा, जो आत्मा के सागर में गोते लगा रहा है वो ही आनंद में है। वो तो कुछ नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं, चाह नहीं, चिंता नहीं, मनुआ बेपरवाह, और जिनको कुछ ना चाहिए वो सहन के साथ। तो ये अपने को बताओ, हमें कुछ चाहिए नहीं, क्यों लागत तो इस शरीर पर लगी है, उस परमात्मा की आत्मा की बताओ लागत कितने करोड़ की है, हाथ की मैं बताओ क्या लागत क्या करोड़ की है, गुर्दे की ताकत है कितनी उसकी लागत है, अरबों खरबों रुपया है। तो जिसको लगा है धन, दर्द तो उसी को है, अब सोचो उसको कितना दर्द होगा। हमारे लिए हवा चला रहा है, पानी चला रहा है, धरती रोके है, जल बरसा रहा है, बीज दे रहा है, अरे हमसे यही तो कहा थोड़ा इसमें पानी डाल देना, तो हमें तो वो वास्ता में बना के भेजा है, इतना सब कुछ दिया है, उसके बाद हम दीनहीन बने क्यों, जो वास्ता है वो हम उसको नहीं जा रहे हैं, और वो वास्ता का तो वही मालिक है। अब फकीर के पास जाओगे, किसी भिखारी के पास जाओगे तो जो उसको भाई है वही तो देगा, लेकिन आप वास्ता के पास चलो, अपनी आत्मा के पास चलो, अपनी इंद्रियों को बस में करो, अपने मन को कंट्रोल करो, मन को जो ये इंद्रियों का रस ले रहा है, ये अधोपतन है इसका, इसको ऊर्ध्व रेतस बनाओ। ऊर्ध्व रेतस के लिए शुद्ध आप अपनी धारणा बना लो, धारणा जब बनाओगे जब चित्त एक जगह पर आ जाएगा, अब दूसरा इसमें घुस ना पाओगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब ये अभ्यास अगर आपने कर लिया, एक आपने अपने इष्ट के साथ अगर दोस्ती कर लिया, ध्यान बना लिया, तो फिर इष्ट के साथ कोई शिष्ट की जरूरत नहीं है। अब आपका इष्ट और आप ये हो गया तादाद, अंदर अंदर सब काम हो रहा है, ये है अंदर की बात और वो है बाहर की बात, उधर लूट है और इधर लुटाया जा रहा है, दोनों में फर्क है। अब उधर जाओगे तुम भी लुट जाओगे। आजकल ऐसे लोग घूम रहे हैं कि सबके पीछे एक काल घूम रहा है, बड़ा कष्ट का समय है भाई। ये देश ऋषि मुनियों का देश है, योगियों का देश है, दुनिया देख रही है, ये बताएगा कि कैसे हमारा पान लगेगा। आप सब बाहर की ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो नागरिक हैं ना किसी पर अटैक करते हैं
और ना किसी के बारे में बुरा सोचते हैं। और बाकी ये सब देश जीतते हैं, ये सब आज हमारी देश की संस्कृति लूट रहे हैं, हमारे देश के सब योग और ये साधन और ये जो है ये अपनी नीतियाँ ला ला के और वो सब इस तरीके से रख रहे हैं कि हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। हम बड़े छोटे का मान सम्मान का तमाम चीज़ें जो होती हैं जिससे आत्मा खुश होती है, आत्मा खुश होती है तब शरीर खुश रहेगा। अब आत्मा दुखी हो रही है, बच्चों के ऊपर गोला बांधू क्या क्या साल, पाँच पाँच साल के बच्चे, हजारों बच्चे वहाँ मार दिए गए और ये तुम्हारे पड़ोस में यहाँ मार दिए गए यूक्रेन में, तो इसका दर्द तो पूरी मानव का दर्द है। हम भारतवासी हैं तो हमको भी लगता है टीवी देखते हैं, चार साल के बच्चे का क्या दोष है भाई, वो बेचारा गोले का शिकार है, बन का शिकार है। तो हम बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े देश के अमेरिका देखा, वो हथियार बेच रहा है लाखों के ढेर में, ये नहीं कह रहा है कि भाई ये हम हथियार नहीं देंगे तुम लोग युद्ध बच्चों को ना मारो, मतलब इतने ज़्यादा निर्दयी और निष्ठुर लोग हो चुके, उसका असर हमारे देश में भी आ रहा है। अब यहाँ भी रोज मर रहे हैं आदमी, लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है, चार चार साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हैं? ये ऋषि मुनियों का देश है, ये योगियों का देश है, बिल्कुल तहस नहस हो रहा है। अब इसकी बहस अंदर हो सकती है, कोई सुनने वाला नहीं है, सुनने वाली हमारी आत्मा है, हमारा प्रकाश है, हमारा अंधकार मिटाने वाला, हमारा जो अंधकार है राग द्वेष जो है ये हमारा हट जाएगा तो निश्चित है कि हमारे अंदर वो दिव्य शक्ति जिससे हमें मिलती है तृप्ति, वहाँ हमारी छूट जाएगी बाहरी आसक्ति, हम कहे न करें उनकी भक्ति जब मिल रही है यहाँ से तृप्ति। भाई बैठे हैं हमारे पास जी, लेकिन माँ किताब पे किताबें तो बड़ी मेहनत होती है, हम दूर से देखते हैं, मिलते बहुत कम हैं, लेकिन ये हम देख रहे हैं कि एक इतनी मतलब मेहनत होती है, हर बार लेख लिखना और किताबों लिखना और जाने का बार बार वो मतलब एक नया पन लाना ये लाना, तो ये भी कोई साधारण लोग थोड़े हैं, उनके अंदर भी एक उच्च कोटि की शक्ति है जो ऐसे माहौल पर ये डटे हैं, हटे नहीं है। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। तो होता है कहाँ गए, वो कहीं नहीं गए, जय नहीं है। हाँ ये तादाद है शब्दों का, ये सब हम नहीं बोल रहे, हमारी तो औकात नहीं है, ये वही बोल रहे हैं, हमारा मुंह है खाली पक पक चल रहा है। वो शक्ति जो है वो गुरु चाहते हैं हमारे बच्चे आगे बढ़े, हमारे मतलब कोई तुम्हें कमी नहीं रहेगी, बढ़ो तुम आगे, जैसे कृष्ण ने कहा महाभारत में, कहा कि तुम पैर तो बढ़ाओ, करते तो हम सब हैं अर्जुन से। अर्जुन ने पूछा महाराज रहते कहाँ हो, तो उन्होंने भी कहा ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय संयम तिष्ठति, हे अर्जुन हमारा बात कहीं नहीं है, हृदय में। तो वो अब वो तो युद्ध का मामला था, फंस गए थे, तो उन्होंने बता दिया, नहीं बताने वाली बात नहीं कि हमारी तिजोरी में हार आए, लेकिन ये बात बहुत बड़ी बात है कि आपके पास वो धर्म है कि आप इसको अगर पाल जाओगे और पाल जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मन से मन में मतलब थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि मन बड़े काम का भी है, मन दुश्मन भी है, अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो आपको कहीं ना कहीं फंसा देगा, आपको इंद्रियों के चक्कर में, अब ये वही है वासना में डाल देगा, हमारी उपासना कर ली जाएगी, तो हम सबको उपासना में डाल देंगे, वासना को भी जला देंगे, और जब वासना चल जाएगी तो फिर उपासना ही उपासना, क्या बात है। उपासना का मतलब हम उसके बगल में बैठे हैं जैसे हम दासलाल के बगल में बैठे हैं, यही तो है उपासना। तो जो जो एक लाइट है, फोकस है, एक अंदर की है एक बाहर की है, एक सूरज बाहर है एक सूरज अंदर है, लेकिन अंदर के सूरज की ताकत रंग रूप अरे वो कुछ वही पाता है, वही देख पाता है जिसको वो दिखाता है, वो सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि अब क्या उसको कहा जाए, आंखों से नहीं देख सकता, लेकिन इस शरीर में मानो भाई कितना 35 करोड़ कोशिकाएं, 35 करोड़, अब 35 करोड़ गिनना मुश्किल है,
तो इतनी बड़ी अब उसने माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई पड़ेगा, तो हल्का 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 कि आप कुछ लेफ्ट नहीं हो, थोड़ा सा इसका ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि आप काफी देर से बैठे हैं, सवेरे से लगे हैं, कल से लगे हैं, तो ये गुरु जी के सगे हैं। अच्छा जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव जी, बहुत सुंदर जी, बहुत ही ओटपूर्ण। और मन 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 तो बहुत था लेकिन नहीं काफी बहुत कुछ। अभी तो मन अभी कह रही, अभी तो समय है, फिर मिलता है समय, मिलेगा अभी ये, लेकिन आज की इस समय के लिए इतना ही बहुत है। जितना आपने दिया है, जो और जो ऊर्जा, जो प्रेरणा, जो ये इस कलिकाल में जो युद्ध का इसका चारों ओर सुलग रही है, चल रही है, उसमें आश्रय किसका लेना है? शांति कहाँ है? सुंदरम कहाँ है? सत्यम कहाँ है? ये बहुत बड़ी बात है। और वह सत्यम सुंदरम, वह उस सद्गुरु सत्ता के के पास ही है, सद्गुरु सत्ता ही है, सद्गुरु स्वयं है जो कि इस विविधता का निवारण करेगी। और हमारी गीता, गुरु गीता कहती है, संसार सागर समुद्र नायक मंत्रम, ब्रह्मादिक सिद्ध देव मंत्रम। और ये भी है कि दारिद्र दुख, जो अभी आप बात कर रहे थे दारिद्र उसकी, ये मंत्र कैसा है? दारिद्र दुख भय विनाश मंत्रम, वंदे महाभय परम गुरुराज मंत्रम। ये गुरुराज मंत्र ही गुरु जी का मंत्र ही है, ये गुरु सत्ता ही है, जिसका कि विवेचन अभी हमारे त्रिमूर्ति ने किया, धनिया सीता प्रभु ने किया, या इस युद्ध किया, आज की वासनाओं का, विषमताओं का, इन सब का हल केवल गुरु सत्ता में ही है और उसी से होगा, या भविष्य हमारा बता रहा है, सामने है। अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आदरणीय दीक्षित जी को सादर प्रणाम करते हुए आप निवेदन करता हूँ आदरणीय आचार्य जी से कि समय रहते जो कुछ भी है बचा है वो आपकी सेवा में समर्पित है, आप जैसा चाहें ये आपके ऊपर है। और वैसे तो पिछले दो दिन से आपने हम सब लोगों को इसमें प्रेम सागर में डुबो रखा है, बाकी सब आके आप ही के ऊपर से निर्भर है, आप सब लोगों के ऊपर निर्भर है कि बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, परम प्रभु श्री राम महाराज की जय, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। मंच पर आसीन बहन सीता जी, भाई त्रिका जी, सरिता बहन जी, देवेंद्र जी, दीक्षित जी और प्रिंसिपल साहब, सब यहाँ बड़े बड़े महानुभाव बैठे हुए हैं। हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं गुरु तत्व की। मुझे एक श्लोक याद आ रहा है गीता का, भगवान कहते देखो इस जो शरीर है इसको जो आत्मा जो प्रकाशित करे क्षेत्र के प्रकाशित करता है, यथा प्रकाश के कहा कृष्णम लोकम इमम रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। तो जिस प्रकार से सूर्य संपूर्ण लोकों को प्रकाशित कर रहा है, इस प्रकार से हमारे गुरुदेव सूर्य के रूप में हमारे मनों को प्रकाशित कर रहे हैं। हम सबके बड़े अंदर दिव्य भाव आ रहे हैं, सबके अंदर गुरु भक्ति प्रकट हो रही है और बड़े ही सब लोग आह्लादित हो रहे हैं। हम सब ने गुरु तत्व का निरूपण सुना विद्वानों के आचार्यों के मुख से, किस प्रकार से वो नारायण ही हमारे महाप्रभु जी के रूप में अवस्थित हैं, वही भूमा पुरुष हैं,
वही साक्षात परब्रह्म है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग प्रतिदिन बोलते हैं किस परब्रह्म है, उससे आगे कोई सत्ता नहीं होती, उसको कहते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है, ऐसे उन गुरु को नमस्कार। इस श्लोक में सब कुछ आ जाता, फिर आगे कोई कहने को शेष नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये समझ लिया कि गुरु ही भगवान है, इससे आगे कोई बड़ा भगवान नहीं है। इतना तो हमने समझ लिया। और गुरुदेव किस किस प्रकार से कैसे कैसे कार्य करते हैं अपनी सत्ता से, ये भी कुछ आपने वर्णन सुना। बहन जी ने बताया था कालका जी ने एक व्यक्ति का जिसको बड़ा उत्पात होता था। मुझे भी एक बात याद आ रही है, वेद प्रकाश मकौल थे, उनके यहाँ भी बड़े उपद्रव होते थे। उनके घर भी गुरुदेव के साथ में गया हूँ, ऐसे उनके यहाँ भी होता था, आग लग जाती थी, वस्तुएं गायब हो जाती थी, कई आदमी मर गए। मैंने बहुत वो व्यक्ति परेशान था, बाद में किसी प्रकार से गुरुदेव का उनको वो पता मिला और गुरुदेव की कृपा से सारा उनका ये उपद्रव शांत हुआ, राक्षसों का भूतों का प्रेतों का। तो ये गुरुदेव की कृपा थी, उनको गुरुदेव की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से मैं कह रहा था, इस प्रकार से गुरुदेव भगवान सूर्य के रूप में प्रकट होकर के हमें हमारे मनों को है ना सुंदर भाव दे रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। जिस प्रकार से सूर्य संपूर्ण लोगों को प्रकाशित कर रहा है, इस प्रकार से इसी प्रकार से हमारे गुरुदेव हमारे मनों को प्रकाशित कर रहे हैं, हमारे मन और बुद्धि में बहुत सुंदर सुंदर भाव दे रहे हैं। तो ये प्रभु जी की और चर्चा भी आप लोगों ने सुनी, उनकी दिव्य शक्तियों का भी वर्णन आपने सुना। मुझे एक याद आ रही है, गुरुदेव जो कहा करते थे कि किस प्रकार से गुरु जो है ट्रांसमिशन ऑफ पावर करता है, अपने बात को किस प्रकार से करा ले, मिट्टी से कंकड़ से कण से काम कर ले। एक वो उसकी बात आ रही है मुझे, तो था टहल से। प्रभु जी के समय में ऋषिकेश में एक स्वामी जी थे परमात्म के तन में, उनको बहुत उदर पीड़ा हो रही थी, पेट में बड़ा भयंकर दर्द था। बड़े बड़े दिल्ली बंबई के डॉक्टर आ गए, लेकिन किसी भी प्रकार से उनका पेट का दर्द समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने सुना था ऋषिकेश में कोई योगी रहते हैं और वो बड़े शक्ति संपन्न हैं, वो कृपा करेंगे तो मेरा ये दर्द समाप्त हो जाएगा। उन्होंने अपने दो शिष्यों को भेजा प्रभु जी के पास में। प्रभु जी अपनी धोती कुर्ता में थे, कोपिन में भी थे, कोपिन का जो धारी कोपिन धारी स्वरूप है तो केवल सवाई का ही है। 20-21 वर्ष तक प्रभु जी सवाई रहे, जितने चमत्कार वहाँ हुए वो बाद में भी होते ही रहे, लेकिन उस समय ज़्यादा सवाई में चमत्कार आकाश गमन करना अनेक रूप दिखाना ये सवाई के। तो ये आप जो कोपिन धारी स्वरूप देख रहे हैं ये जो है गुरुदेव का सवाई का रूप है। तो बाद में हिमालय से पुनः प्रभु जी आए तो धोती कुर्ता में रहा करते थे। तो स्वामी जी ने अपने दो शिष्यों को भेजा कि कोई योगी राज जी हैं रेलवे रोड पे योग साधन आश्रम में, वहाँ चले जाओ, वो यदि मेरे पास आ जाएं मुझ पर कृपा करेंगे, मेरा ये दर्द ठीक हो जाए। तो पहले तो वो जो सन्यासी आए थे उन्होंने कहा ये तो ग्रस्त वेश में है, क्या योगी है, ये तो धोती कुर्ता सामान्य पहने हुए हैं। पर चलो फिर भी निवेदन किया प्रभु जी से कि महाराज जी हमारे गुरुदेव को बड़ी उदर पीड़ा हो रही है, आप उनको जरा देख लें आकर के। प्रभु जी ने कहा देखो भाई हमारा नियम ये है, हम किसी मरीज के पास नहीं जाते हैं, हमारे पास जो आता है उसका कष्ट निवारण करते हैं, लेकिन हम किसी के पास जाते नहीं हैं, हम किसी के पास जाते नहीं हैं। ऐसा कह करके वो निराश होकर के वो चले गए दोनों सन्यासी स्वामी जी के पास गए कि स्वामी जी ने तो ये कहा है कि मरीज को ही यहाँ लाओ, हम देखेंगे, हम किसी के पास आते जाते नहीं। तो
स्वामी जी ने कहा भाई वो खुद नहीं आते, कोई बात नहीं, कोई चेला वेला होगा जिसके पास कुछ शक्तियाँ तो होगी, गुरु ने कुछ शक्ति दे रखी होगी, अब तुम दोबारा चले जाओ। योगी राज जी से कहो यदि तुम नहीं आ सकते भाई किसी को भेज तो दो, मेरी पीड़ा कैसे ही कम हो। तो भाई दोबारा गए, तो दोबारा गए प्रभु जी ने कुबड़ खाबड़ खाबड़ व्यक्ति को भेज दिया जिसका नाम टहल सिंह था। पढ़ा लिखा नहीं था, पंजाबी था, बस खड़प्पा तेंदू खावे ऐसे भाषा बोलता था। मैंने उसकी भाषा भी बड़ी कोट पटांग थी, लेकिन ध्यानी व्यक्ति था, प्रभु जी का परम भक्त था, भक्ति से ओतप्रोत रहता था वो व्यक्ति अनपढ़ होते हुए भी। उसका नाम था सरदार टहल सिंह। तो प्रभु जी ने कहा भाई ये मेरा एक शिष्य है, इसको ले जाओ ये ठीक कर देगा। फिर वो सन्यासी समझ गए, ना इसके कपड़े अच्छे, न भाषा अच्छी, न शक्ल अच्छी, एक पगड़ सा उल्टा सीधा पहना हुआ है, ये क्या करेगा। फिर भी ले गए, मरता क्या करता, ले गए कि चलो जी आप ही चले चलो। बोला प्रभु जी मैं क्या करूँगा, मैं पढ़ा लिखा नहीं, कुछ जानता भी नहीं। अरे प्रभु जी ने कहा तुम्हें करना क्या है, चले जाना और वहाँ स्वामी जी का पेट देख लेना, कपड़ा उठा करके स्वामी जी का पेट देख लेना और 3 बार हाथ फेर लेना, बस इतना ही तुम्हारा काम है, चले जाना। हो गया टहल सिंह स्वामी जी के पास गया। अरे स्वामी जी ने कहा योगीराज ने इस व्यक्ति को भेज दिया है, ये मूर्ख सा दिखने वाला व्यक्ति मेरा क्या करेगा। पर इतनी पीड़ा हो रही थी मजबूरी में, टहल सिंह ने कहा स्वामी जी अपना कुर्ता ऊपर करो, मोटी भाषा में स्वामी जी अपना कुर्ता उठाओ, जाओ जैसे डॉक्टर कहते हैं अपना पेट दिखाओ। तो स्वामी जी ने अपना पेट दिखाया तो टहल सिंह ने कहा ओहो ओहो ओहो, 3 बार है ना पेट में हाथ घुमाया, हाथ घुमाया 3 बार। तो पहले ही उन लोगों ने प्रभु जी से कहा था इसको हम ले तो जा रहे हैं, क्या इसमें कोई हाथ, इसके हाथ में कोई करंट है। तो प्रभु जी ने कहा इसके हाथ में करंट है, करंट की बात चल रही थी। तो प्रभु जी ने कहा हाँ इसके हाथ में करंट है, ये ठीक करेगा। तो वहाँ जब गया स्वामी जी के पेट में 3 बार हाथ फेरा, ओहो स्वामी जी ओहो स्वामी जी ओहो स्वामी जी, 3 बार कहा और बस थोड़ी देर में स्वामी जी का पेट बिल्कुल साफ हो गया, धर 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 पुचकारी बस्ती हो गई अपने आप, सारा कमरा गुरुदेव बड़े मनोविनोद से कहा करते सारा कमरा भर गया, मल से भर गया कमरा, इतना पतला सब निकला जो उनके हाथ में करंट है वो किसी के किसी को आया है। सा पूर्व शाम अभी गुरु काले नानव छेदा, वो जो गुरु है परम सत्ता है वो पहलों का भी गुरु है। किसका गुरु है, हिरण्यगर्भ आदि नाम ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ आदि आदि जो सृष्टि के प्रारंभ में होते हैं उनका भी, कपिल आदि उनका भी एक गुरु है। और वे शाम अपि गुरु माने जितने जितने व्यक्त रूप में आते हैं उनका भी गुरु है, वो अव्यक्त रूप में रहता है। और काले नानव छेदा कहते काल की सीमा से वो परे है, देश काल वस्तु से जो अपरिछिन्न है, देश काल वस्तु से जो बाधित है वेदांत के अनुसार, वो जो है वो सदगुरु है, वो हमेशा रहता है, हर काल में रहता है, हर वस्तु में रहता है, हर समय रहता है। तो ऐसा ये देश काल और वस्तु से जो अपरिछिन्न है अबाधित है उसका नाम सदगुरु है, ये पतंजलि जी ने कहा। तो ऐसे गुरुदेव हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, हम सभी को गुरुदेव प्राप्त है, गुरुदेव की कृपा हम सब पर है, जो भी सच्चे मन से उनका चिंतन करता है कृपा उनकी बनी रहती है। लेकिन हम जैसे दीक्षित जी ने कहा हर्ष जो है राग द्वेष जो है ये हमारी शक्तियों को लूटते रहते हैं। कल परसों में मैंने बताया था किस प्रकार से हम शक्ति तो बहुत इकट्ठा करते हैं, ध्यान भी करते हैं, भजन भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन हमारी शक्ति लूट ली जाती है। प्रभु जी कहा करते थे जो आपका सबसे ज़्यादा प्यारा व्यक्ति है यदि वो ध्यानी नहीं है, पारिवारिक है, तो वो आपकी शक्ति को खींचता रहता है, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है।
गीता में उसको परिपंथी कहा गया, लुटेरा है वो। हमें लूटने के लिए सारे लोग लगे हुए, आप तो शक्ति संग्रहित करते रहते हो, ध्यान करते हो, भजन करते हो, लेकिन आपके परिवार वाले ही आपको लूटने के लिए तैयार हैं। और आप लूट भी जाते हो, आपको दया आती है, आपने बड़ा आशीर्वाद दे दिया, किसी ने कहा नहीं मेरा ये काम मिला, आपने वो भी दे दिया, या फिर हमने कहीं राग द्वेष कर लिया, क्योंकि मनुष्य अभी तो है, अभी तो रजोगुण तमोगुण का शमन नहीं हुआ, राग द्वेष तो रहता ही है, चाहे हम कितने विद्वान हो जाए, कितने पढ़ लिख जाए, लेकिन राग द्वेष अलग चीज, उसका खत्म होना बिना गुरु कृपा के, बिना साधना के राग द्वेष नहीं समाप्त होता। अविद्या अस्मिता राग द्वेषा विद्वेषा, ये पांच क्लेश है हमारे अंदर, पतंजलि जी कहते हैं। तो इसमें राग द्वेष जो है बहुत प्रैक्टिकल है, बाहर दिखते हैं, ये व्यवहारिक जीवन में दिखाई देते हैं, राग और द्वेष ये हमारे जीवन में सबसे बड़े दुश्मन है। जो हम कमाते हैं उसको हम खो देते हैं, इसलिए सावधान रहने की जरूरत होती है। गुरुदेव को हमने मान लिया, ये ईश्वर है, गुरुदेव को तो हम मानते हैं, गुरुदेव कहा करते थे तुम गुरु को तो मानते हो कि भगवान है, लेकिन हम गुरु की नहीं मानते। गुरुदेव की आज्ञा है ध्यान करो, भजन करो, साधना करो, उसको हम उतना नहीं मानते जितना मानना चाहिए। तो हम गुरुदेव की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, धूप लगाते हैं, दंडवत करते हैं, सारी चापलूसी करते हैं कि गुरु खुश हो जाए। गुरुदेव कहा करते थे, कुछ लोग हैं ज़्यादा ध्यान भजन नहीं करते, बस मीठी मीठी बात लगाते हैं, मेरे खाट के पास बैठ जाते हैं, खाट पकड़ करके बैठ जाते हैं और मीठी मीठी बात करते। तो गुरुदेव कहते थे ऐसे में प्रसन्न नहीं होता तुम्हारी मीठी बातों से, जो अपने नियम पर चलता है, जो मेरी दिए हुए आज्ञा का पालन करता है, तो दो घंटे जप करता है, वो चाहे कहीं भी बैठा हुआ है उसको गुरुदेव देख रहे हैं। इससे सूर्य सारे लोगों को प्रकाशित कर रहा है, गुरुदेव हमारे सबके मनों में हैं, बसे हुए हैं, तो हमारे सब क्रियाकलाप को देख रहे हैं। तो जो करता है उसको गुरुदेव देख रहे हैं, भाई ये भजन कर रहा है, केवल गुरु जी के पास आकर जो चापलूसी करता है, गुरुदेव जानते हैं बड़ा चापलूस है। गुरुदेव कहा करते थे तुम मेरे खाट पकड़ के यहाँ बैठ जाते हो और समझते हो कि गुरु जी प्रसन्न हो जाएंगे, कुछ एक गड्डी दे दिया सेठ जी ने कि गुरु जी से प्रसन्न हो जाएंगे, मेरा व्यापार ज़्यादा बढ़ेगा। नहीं, इससे हम खुश नहीं होते, हम खुश उस बच्चे से होते हैं जो साधना करता है, हमारी आज्ञा का पालन करता है। हमने सब बच्चों को योग मार्ग का उपदेश किया है, जप और ध्यान की आज्ञा दे दी है, जो जप और ध्यान करेगा उस पर हमारी कृपा निरंतर बनी रहेगी। तो हम लोगों को गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि तुम योग मार्ग पर चलो, योगी भव। गुरुदेव की जो दो पुस्तकें, मोटी मोटी पुस्तक योग सिद्धांत, उसको कोई लेकर के जाता था गुरुदेव के पास में, प्रिंसिपल साहब भी गए होंगे, लागे गुरुदेव भी इसमें आशीर्वाद लिख दो। गुरुदेव कहते हैं भाई देखो, है ना, चिरंजीव आदि आदि नाम लेकर के कि तुम योगी बनो। गुरुदेव की आज्ञा है योगी बनो, तस्मात योगी भवान। भगवान ने अर्जुन से कहा तुम योगी बनो, योगी बनने की आज्ञा भगवान ने अर्जुन को दी, और हमारे गुरुदेव भगवान ने हम सबको योगी बनने की आज्ञा दी, क्योंकि बिना योग मार्ग के हमारा किसी भी प्रकार से कल्याण संभव नहीं है। योग मार्ग का मतलब है अंतर्मुखी होना, आंख बंद करके हम अंतर्मुखी बन जाएं, और फिर गुरु कृपा निरंतर होती रहती। जब हम बैठेंगे ही नहीं, गुरु की बहुत कृपा है, आपको धन संपत्ति दौलत सब कुछ मिल गया, लेकिन कोई व्यक्ति बिल्कुल ध्यान में ही नहीं बैठे तो वो गुरुदेव की कृपा का सच्चा लाभार्थी नहीं है, क्योंकि वो ध्यान में तो बैठता नहीं। इसीलिए ध्यान में बैठना बहुत ही जरूरी है, जो ध्यान में बैठते हैं उनको लाभ होता है। तो मुझे कठोपनिषद का एक मंत्र याद आ रहा है, अंतर्मुखी बहिर्मुखी का, हाँ परांजी का आदि, जो सब लोग गुरु भाई जानते हैं, विद्वान लोग तो जानते हैं, कठोपनिषद का परांचिखानि व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् धीरा प्रत्यगात्मानमेक्षत् आवृत्त चक्षुरमृतत्वमिच्छत्।
इसका भाव ये है कि उपदेश दिया था यम ने नचिकेता को। नचिकेता एक बालक था छोटा, दान कर रहे थे, लंबा नहीं करूंगा सुसंक्षेप में करूंगा, पंडित जी दान कर रहे थे ब्राह्मणों के, गौ दान कर रहे थे, सिंह में लोहा सोना लगाला करके दान कर रहे थे। छोटा बच्चा था नचिकेता, कह रहे पिताजी मुझे किसको दोगे, पहले तो कहते तुम दूर हटो, मैं मुझे काम करने दो। जब बहुत तंग करने लगा पिताजी को गुस्सा आ गया, तुझे मैं यमराज को देता हूँ, ऐसे मुझसे निकल गया, तुझे मैं तुझे यम को देता हूँ। हे दिया, ठीक है पिताजी, आपने जो कहा मुझे सिरोधार्या है, मैं तो यम के पास ही जाऊंगा। पिताजी पछताए भी, पता नहीं मेरे मुंह से क्यों निकल गया ऐसा, लेकिन बच्चा बड़ा हठी था, है जैसे राम जी ने अपने दशरथ की आज्ञाओं का पालन किया। लक्ष्मण तो बहुत गुस्सा हो गए, बोले बूढ़े को कैदी बना दो। राम जी अपने भाई से कहा मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, इस बूढ़े को दशरथ को भी कैदी बना दो, जेल में डाल दो, बताओ आपको जो है वनवास दे दिया, इन लोगों ने सबकी बुद्धि खराब है। बहुत उबले लक्ष्मण जी, राम जी ने कहा तुम शांत करो, शांत करो। इसी प्रकार से क्या चर्चा चल रही थी, हाँ पराग जी क्या भूल जाते हैं, अब ये बुढ़ापे की निशानी आ रही है, 70 से ऊपर ऊपर हम भी जा रहे हैं, तीर्था जी भी भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं, बोलते बोलते पता नहीं चलता कहाँ थे, फिर याद दिलाना पड़ता है, ये बुढ़ापे की निशानी है। धीरे धीरे जो है ना, जब रक्त संचार कम हो जाता है तो बॉडी में तो विस्मृति होने लगती है। तो पराग जी खानी व्यतृगत स्वयं हुई श्लोक बता रहा था, इसको यमराज ने नचिकेता को उपदेश दिया, छोटा बच्चा था वो ब्रह्म तत्व के लिए गया था, पहले बहुत लोभ दिया, यमराज ने कहा मैं तुम्हें धन दौलत देता हूँ, बहुत संपत्ति, तीनों लोकों की संपत्ति दे देता हूँ तुझे, पुत्र पौत्र पत्नी ऐश्वर्य सब दे देता हूँ, स्वर्ग के सारा ऐश्वर्य दे देता हूँ। कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये तो मेरे पिताजी के बाल बहुत है, वो तो दान करते रहते हैं, बहुत बड़े पंडित जी हैं मेरे पिताजी, मुझे तो ब्रह्म ज्ञान चाहिए। बहुत तरह से फुसलाया, मैं बहुत तुम्हें संपत्ति दे देता हूँ, कहते नहीं वित्ते न तर्पणीय मनुष्य, कहते कितना भी धन आए मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता, अंबानी बन जाओ चाहे कोई बन जाओ कोई धन, उसको भी तृप्ति नहीं है, कितनी संपत्ति मिल जाए लेकिन हम कभी धन से तृप्त नहीं होते, बस नहीं करते कि अब हमें नहीं चाहिए, कोई नहीं कहेगा। तो नचिकेता ने कहा यम यमराज जी मुझे ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि वित्त से धन से कोई कभी तृप्त नहीं हो सकता मनुष्य, इसलिए मैं ये जानता हूँ, इसलिए मुझे ये ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे तो आत्मज्ञान चाहिए। बहुत प्रकार से जब यमराज ने देख लिया ये बच्चा मानने वाला नहीं है, तो आत्मज्ञान को प्राप्त करके मुझे छोड़ेगा, तब उन्होंने आत्मतत्व का ज्ञान देना प्रारंभ किया। तो कहा देखो योग मार्ग की शिक्षा दी, पराम सिखानी व्यतृणत स्वयंभू, ब्रह्मा जी ने हमारे जो ज्ञान इंद्रियां हैं इनको बहिर्मुखी बनाया है, हम बाहर की देखते हैं, बाहर की सुनते हैं, बाहर का गंध लेते हैं, बाहर का रस रसना का आस्वाद लेते हैं, तो पराम जी मैंने बाहर की ओर खाने, मैंने इंद्रियाएं, हमारे जो इंद्रियों के जो झलोके हैं वो बहिर्मुखी हैं, तस्मान पराम पाश्यति नांतरात्मन, इसी कारण से व्यक्ति जो है बहिर्मुखी होता है स्वाभाविक रूप से, वो अंतर्मुखी नहीं होता, क्योंकि स्वभाव से उसकी इंद्रियों का जो गोलक है वो बहिर्मुखी है। अब कहते हैं कोई कोई जब योग अभ्यासी है, जो अपनी आत्मा को जानना चाहता है, आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, तब वो अंतर्मुखी होना सीखता है। कश्चित धीरा, कोई कोई धीर पुरुष, कोई कोई विवेकी पुरुष, कोई कोई योगी पुरुष, कश्चित धीरा प्रत्यगात्मान ऐक्षत, उस प्रत्यगात्मा को, उस आत्मा को, विशुद्ध आत्मा को जानने की इच्छा करता है, तब वो क्या करे, है ना, आवृत चक्षु, अपने आंखों को बंद कर दे। अब आंखों का मतलब ये नहीं कि केवल आंख, हमारे जो ज्ञान इंद्रिया है सबको बंद करो, सुनना भी बंद करो, देखना भी बंद करो, दुनिया का जो व्यापार है ना ज्ञान इंद्रियों का, उसको हम स्टॉप कर दे, इसलिए हमें एकांत में बैठना पड़ेगा। ये तो शब्द भी सुनाई देगा, सुबह सुबह हो
कहीं माइक से अल्लाह और पर्सनैलिटी का जोर दोर से आपका ध्यान भटक जाएगा, तो इसलिए आपको घूमने दो, गुफाओं में रहते हैं ऐसी जगह जहाँ कोई आवाज़ भी ना आए। तो आवृत चक्षु, आँखों को पहले बंद कर लें। सबसे पहले हमारे बहिर्मुखी का जो द्वार है ये आँखें हैं, इसलिए सब हम सबसे पहले आँखों को बंद कर लें और फिर सुनना भी बंद करें, देखना स्पर्श करें, मैंने इंद्रियों का व्यापार हम समाप्त कर लें। और इसके बाद कहते हैं हम ध्यान में बैठ जाए, अंतर्मुखी हो जाए। क्यों हो जाए? कहते तुम्हें आत्मा का साक्षात्कार होगा, अमृतत्व मैंने वो आत्मा परम तत्व की प्राप्ति होगी। हे नचिकेता, इस प्रकार से करने पर जब तुम अंतर्मुखी हो जाओगे तो धीरे धीरे तुम्हें परमात्मा का आत्मा का साक्षात्कार होगा। ऐसे हमारे गुरुदेव कहते देखो ध्यान में बैठो, ध्यान में बैठना सीखो। गुरुदेव प्रारंभ में ध्यान में बैठाया करते थे, प्रारंभ के दिनों में, बाद में जब भीड़ ज़्यादा होने लगी तो नहीं बैठा पाते थे। क्योंकि तो शुरू में गुरुदेव आसनों का एक आसन के बाद में ध्यान में बिठाया करते थे, एक घंटा आधा घंटा सबको ध्यान में बिठाते थे, गुरुदेव खुद भी बैठ जाया करते थे ताकि इनको ध्यान का अभ्यास हो जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी करके ये बैठने लग जाए। और गुरुदेव फिर धीरे धीरे सबको देखते थे किसकी अंतर्मुखी कैसी हो रही है, किसकी एकाग्रता हो रही है, किसके कैसे सांस चल रहे हैं, किसका सांस मंद हो गया है। जितना जितना एकाग्रता है उसकी उतनी उतनी सांस मंद होती चली जा रही है, गहरी गहरी होती चली जाती है। गुरुदेव सबको देखते हैं और जो रोज का अभ्यासी है उसका अपने आप चित्तवृत्ति जो है निरोध की ओर जाएगा, अंदर की ओर जाएगा। इस प्रकार से गुरुदेव योग अभ्यास कराया करते थे। वैसे तो ठीक है, हम देखते हैं गुरुदेव का आश्रम है, आना है जाना है, उत्सव है, ये सब एक अपनी जगह पर है, लेकिन गुरुदेव का उपदेश ये है कि अपने को योगी बनाओ। हम अपने को योगी बनाएं, अंतर्मुखी बनाएं, क्योंकि योग के बगैर हमारा किसी प्रकार से कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए गुरुदेव की तो एक ही आज्ञा है, उस आज्ञा को उसका प्रचार प्रसार करने के लिए गुरुदेव देखो गांव-गांव में जाया करते थे। एक एक गांव में गुरुदेव गए अपने बच्चों को, संस्कारी बच्चों को ज्ञान देने के लिए, योग का ज्ञान देने के लिए गांव-गांव में गुरुदेव जाया करते थे। छोटे से गांव, बड़े से गांव, सब जगह जाते थे, वहां केवल योग का प्रचार करने ले जाते थे। इन व्यक्तियों के अंदर योग की जो है, योग का अंकुर फूटे, ये ध्यान को समझ ले, ध्यान क्या चीज़ है। मैं कल कुछ बातें बता रहा था कि किस प्रकार से ऐसे ऐसे परिवार जो तमोगुणी रजोगुणी थे इनको गुरुदेव ने सतोगुणी बना दिया। ये नीलम जो बैठी हुई या ध्यान में, इनके परिवार की भी मैं बात कर रहा था। राजकुमार थे ठाकुर राजकुमार सिंह एटा के, और उनके संपर्क गुरुदेव से हुआ। फिर इनके जितने रिश्तेदार थे जो बिल्कुल गलत मार्ग पर थी, जिनका खान पान ठीक नहीं था, शराब पीना कोई आदि आदि, तो गुरुदेव के संपर्क में आते चले गए और वो विशुद्ध योग की ओर चलते चले गए। तो गुरुदेव ने हम में से बहुत लोगों को जो गलत मार्ग पर थे, जिनका खान पान ठीक नहीं था, जो योग को अंतर ज्ञान को जानते ही नहीं थे, उन लोगों को अपनी शक्तिपात से, अपने ज्ञान से उनको अंतर्मुखी बना दिया और बहुत सारे उनके साथ में चमत्कार अपने आप होते। नीलम के बचपन की बातें मुझे याद है, पत्रिका में भी छपती थी पहले। इनके साथ बड़ी दिव्य घटनाएं हुई है, ये आपको कभी कभी बता देगी जब पूछेंगे तो ये परिवार भी बड़ा गुरुदेव का बड़ा कृपा पात्र परिवार था। कुछ घटनाएं मैंने कल और बताई थी, एक सिसोदिया परिवार है तो गुरुदेव का बड़ा प्रिय परिवार है, आगरा में, ग्वालियर में, दतिया में, इटारसी में आदि आदि, ये धुमेंद्र सिंह सिसोदिया आदि सिसोदिया परिवार क्षत्रिय परिवार है, उन पर गुरुदेव की बड़ी महती कृपा रही है। सुशीला देवी का वर्णन मैंने कल बताया था, सुशीला देवी ही उनके पति जेलर थे। कुछ लोगों ने कल सुना होगा, बार बार रिपीट करना ठीक नहीं होता, लेकिन कुछ नए लोग भी हैं। तो सुशीला देवी बड़ा ध्यान करती थी, बहुत ध्यान में बैठा करती थी, प्रभु जी का निरंतर साक्षात्कार बना लेता था उनको। जो भी बात पूछते वो प्रभु जी सीधे पूछ लेते, उसका तुरंत समाधान मिल जाता था।
तो मैंने ये बताया था कि एक दिन एक जेली जो है कम पड़ गया गिनती में, तो जेलर साहब बड़े संकट में आए, बड़े दुखी हुए, कहाँ चला गया, एक कैदी नहीं है, तो बड़े परेशान हुए। तो एक सिपाही ने कहा माता जी से कि माता जी आज तो साहब बहुत ही परेशान है। तो क्यों परेशान है? बोले एक कैदी गायब है, शाम का समय है, गिनती होती सुबह शाम, एक कैदी है ही नहीं, अब उनकी नौकरी का सवाल है, नौकरी से हटा दिया जाएगा, कि वो कैदी कहाँ गया वो कैदी। अच्छा, तो वो सुशीला देवी ध्यान में बैठ गई मंदिर में, तुरंत प्रभु जी का ध्यान लगाया, प्रभु जी ने दर्शन दिया। सुशीला ने कहा देखो प्रभु जी ऐसे ऐसे संकट है, एक जेली तो कैदी है ही नहीं। तो प्रभु जी ने कहा देखो वो जो तीसरी दीवार है वहाँ पर पेड़ पर बैठा हुआ है, जाके देखो तो मिलेगा। यही हुआ, वहाँ सिपाहियों ने खोज की और वो कैदी वहीं पर मिला। उससे कहा तुम भागे क्यों नहीं, दो दीवार तो तुमने पार कर ली, शायद दो तीन दीवारें होती होगी जेल की। तो अंतिम दीवार तक पहुँच गया, अब वो कूदने को था लेकिन वहाँ तक एक बाबा जी बैठे हुए रहते थे त्रिशूल लेकर के, जब भी वो कूदने की कोशिश करता उसको नीचे गिरा देते थे, अंदर गिरा देते थे। तो कई घंटों हो गए उसको इसी कशमकश में, तो वो सिपाही पहुँच गए, न्याय पकड़ के वो कहा तुम गए क्यों नहीं बाहर, तो यहाँ तक तुम पहुँच गए। उन्होंने कहा क्या कहूँ, एक बाबा जी जो है मुझे त्रिशूल मारते थे, नीचे गिरा देते थे, मैं नहीं जा पाया। तो मेरे कहने का तात्पर्य इस प्रकार के भी गुरु परिवार में ध्यानी देवियाँ हुई हैं जिनके अंदर बड़ी शक्तियाँ थी, जो भी समस्या उनका समाधान उनको मिल जाता है जो ध्यान करते हैं। तो सुशीला देवी में बहुत उत्कृष्ट गुरु भक्ति थी। अभी 10 साल पहले शरीर पूरा हुआ, मैं प्राय जाता ही रहता था आगरे में, जेलर साहब के जेलर साहब भी दुष्यंत सिंह भी थे और वो उनकी पत्नी सुशीला देवी। सुशीला देवी के अंतिम समय का भी बड़ा अद्भुत दृष्टांत है। उन्हें पहले ही बता दिया अमुक दिन को मैं चली जाऊंगी, मोटी मोटी तो उस दिन को मैं चली जाऊंगी, बस आज मैं जाने वाली हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक जमीन लीज दो, ये कर दो, आज एकादशी आ गई है, आज ये शरीर छोड़ूंगी। और अपने पति से कहा जो दुष्यंत सिंह के, देखो हम तो जा रहे हैं, हमारा तुम्हारा इतने संपर्क था, हमारा तुम्हारा आज से कोई संबंध नहीं है, पति पत्नी का संबंध इस पृथ्वी तक की था, अब हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं, मैं जा रही हूँ, हमारा तुम्हारा सब मुझे भूल जाओ, आज से हमारा तुम्हारा कोई नाता नहीं है। और देखो एक बात और भी है, 3 महीने बाद तुम भी आ जाओगे, 3 महीने बाद तुम्हारा भी शरीर छूट जाएगा, यह पहले ही कह दिया उसने सुशीला। तो जब शरीर छोड़ने लगी तो कहने लगे देखो विमान आ गया मेरे लिए, गुरुदेव ने मेरे लिए विमान भेज दिया, देखो देखो सबको कहने लगे देखो विमान भेजा है गुरुदेव ने मेरे लिए। दूसरे कहने लगे हमें तो पता नहीं, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, कि नहीं देखो खाली विमान आया है और भगवान के पार्षद आए हैं, ये मुझे कहते हैं चलो बैठो इसमें, अब मैं बैठने वाली हूँ। तो सब कुछ वर्णन कर रहे हो, वीडियो भी बनाया था उन्होंने, तो जैसे जैसे बोल रही थी देखो अब मुझे यहाँ विराजमान होना है, विमान पर बैठना है, मुझे जाना है, इसमें जा रही हूँ खुशी खुशी। गुरुदेव प्रभु जी को उन्होंने जो स्वरूप था सामने रखती थी, जान लेती रहती थी सामने ही, ताकि वो प्रतिदिन देखती रहे, ऐसा स्वरूप उनका सामने रखा रहता था। तो प्रणाम किया और शरीर छोड़ दिया, कहने का मतलब विमान में बैठ गई और वो चली गई। तो ऐसे ऐसे हमारे गुरु बहनें हैं जिनके अंदर ये शक्तियाँ थी, ये क्यों था कि उनमें बहुत भक्ति थी। हम देखते थे हमेशा बैठे रहते, बड़े प्रसन्न चित रहती थी, हम तो प्राय जाया करते थे आगरे में, किसी काम से जाते थे, ट्रांसपोर्ट नगर में उनका वो था मकान। तो शरीर छोड़ने से 2 दिन पहले भी हम गए थे, हम जाते ही रहते थे, बड़ा प्रेम मानती थी गुरु भाई के नाते से, तो बताती रहती थी सब अच्छी अच्छी बातें। तो एक दिन पहले मैं गया, फिर ठीक थी, फिर 2 दिन बाद जिस दिन गई अपना वीडियो बना के गई, बच्चों से कहा वीडियो बनाओ मेरे प्रयाण काल आ गया है और मेरे वीडियो बनाओ, वीडियो आज भी बना हुआ है वहाँ, और मैं धीरे से अपना शरीर छोड़ दिया। तो ये होती शक्ति,
तो देवियां भी इसी प्रकार की कृपा पात्रा हो सकती हैं, बशर्ते इस प्रकार की गुरु भक्ति हमारे अंदर हो। वो कोई भी दुनिया के फैशन में नहीं रहती थी, हर समय गुरु के उसमें रहती थी, मंत्र जाप में, ध्यान में और गुरु सेवा में लगी रहती थी और अपने मंत्र जाप को निरंतर करती थी। इसी कारण से गुरुदेव का, प्रभु जी का सानिध्य हमेशा बना रहता। कोई भी संकट आए, कोई भी कष्ट आए, तुरंत गुरुदेव को याद किया, प्रभु जी को याद किया, प्रभु जी आ जाते हैं। तो क्या संकट है, क्यों याद किया, ये मेरा संकट है, चलो तुम्हारे संकट दूर हो जाएगा। तो ये है योग की शक्ति। इस प्रकार से योग से हम प्रभु कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है अपने अपने मंत्र का जप करें। हमारा मन एकाग्र नहीं होता है, क्यों? सुबह हमने तीन गुणों का, गुणत्रय विभाग का अध्ययन किया, पढ़ा हमने, तो तीन गुणों का वर्णन आया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसमें रजोगुण तमोगुण जो है हमें अच्छे काम में प्रवृत्त होने ही नहीं देते, ये पाप में लगाते हैं, सतोगुण पुण्य में लगाता है। फिर मैंने सुबह चित्त की पांच भूमिकाओं का भी वर्णन किया था, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था। तो ये सुबह मैंने संक्षेप में बता दिया था। तो ये अवस्थाएं पातंजल दर्शन में व्यास जी ने अपने भाष्य में कहा है कि जितने भी चेतना के स्तर हैं, जितने भी जीव हैं, उनके चेतना को पांच भागों में उन्होंने बांट दिया। मूढ़ में आते हैं पशु पक्षी, बिल्कुल जड़ वाले, तमोगुणी जो लोग होते हैं वो मूढ़, उनकी चेतना मूढ़वत है, कुछ नहीं होंगे, उनको कोई विचार नहीं है, बस पड़े रहते हैं। फिर विक्षिप्त, फिर क्षिप्त, इस प्रकार से क्रम से जो है गुरुदेव बड़े विस्तार से इस बात को समझाया करते थे। उसमें काफ़ी समय लगेगा, उस पर ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन ये कहा है धीरे धीरे हम आगे को बढ़ें, मंत्र जप करें, ध्यान करें, तो हमारे रजोगुण तमोगुण की वृत्तियाँ दब जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। इसलिए ध्यान में बैठना जरूरी है। हमारे अंदर गुरु भक्ति नहीं होती, भले हम आरती कर लें लेकिन गुरु भक्त हम होते नहीं है। कोई कोई लोग होते हैं, बहुत सारे नहीं होते हैं लोग, क्यों? क्योंकि हमारे पाप कर्म हैं, हमारे रजोगुण तमोगुण हमारे चित्त को घेरे रहते हैं। विष्णु पुराण में आया है, भगवान कृष्ण की भक्ति किसको मिलती है, गुरु की भक्ति किसको मिलती है? जन्मांतर सहस्रेशु तपो ज्ञान समाधि भी नारायणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति प्रजाए। हमारे अंदर भक्ति इसलिए नहीं होती शुद्ध भक्ति, क्योंकि हमारे अंदर तमोगुण रजोगुण रहते हैं, इसलिए हमारी बुद्धि मलिन रहती है, मोहयुक्त रहती है। लेकिन धीरे धीरे कई जन्मों के तप करते, स्वाध्याय करते, जप करते करते हमारा मन निर्मल होने लगता है। नारायणाम क्षीण पापानाम, जिनके पाप क्षीण हो गए हैं भक्ति से, साधना से, जप से, तप से, ऐसे लोगों के मन में कृष्णे भक्ति प्रजायते, गुरु भक्ति प्रजायते, गुरु भक्ति उनके यहाँ है ना उत्पन्न होती है। तो यदि हमारे अंदर इस प्रकार की उत्कृष्ट गुरु भक्ति नहीं है, तो हम सोच ले हमारे अंदर अभी रजोगुण तमोगुण का ही वास है, हमारे अंदर मलिनता है। कैसे मलिनता दूर होगा? हमारे जप से और तप से। गुरुदेव कहते हैं जबरदस्ती बैठ जाओ, दो घंटे जप करो ही करो, से क्या होगा, तमोगुण और रजोगुण दोनों क्षीण होते चले जाएंगे। प्रभु प्रकाशमय सतोगुण, बाहर अंदर तो अंधेरा है ही है, तो अंदर प्रकाश करने के लिए घट में प्रकाश करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, फिर उनके अंदर धीरे धीरे उजाला होना शुरू हो जाता है, कुछ दिखने लगने लगता है, कुछ है ना जैसे चेतना सी उनके अंदर उठती रहती है, प्रकाश दिखता है अंदर, जो भी उनको दर्शन होता है देवी देवता का, गुरु का, किसी का, तो प्रकाश में स्थिति में उनको वो दर्शन होता है। तो कहने का मतलब उनके अंदर सतोगुण का उद्भव हो गया है। तो सतोगुण को हमें बढ़ाना है। गुरुदेव कहा करते मांगता नहीं, किसी देवी देवता से मांगता नहीं, भगवान से भी नहीं मांगता, अनंत पावर आता है, शक्ति आती है, जैसे चाहे वैसे हम धीरे धीरे बनने लगते हैं। तो प्रारंभ में हम कम से कम बैठना तो शुरू करें, गुरुदेव की आज्ञा है हम ध्यान में बैठे। ये ध्यान का मार्ग केवल गुरु, सिद्ध गुरु देते, किसी भी कहीं भी चले जाओ कोई ध्यान का मार्ग आपको नहीं बताएगा,
कहीं आप रास लीला में चले जाओ, कहीं कथा में चले जाओ, कहीं दुनिया में, दुनिया भर के जो है धार्मिक कार्य हो रहे हैं, कोई आपको ध्यान, कोई कहता है कोई गुरु कोई उपदेशक ध्यान में बैठो, कोई नहीं कहता, बस कहते हैं चिंता बजाओ, ताली बजाओ, नाचो, बस आप तुष्ट करते हैं भागवत कथा में, बस आपका मनोरंजन होता है। बहुत बड़े पंडित जी आए थे, बहुत बड़े विद्वान पंडित थे, हाँ आपको नचाया पंडित जी ने, आपने बढ़िया से दक्षिणा दे दी, पंडित जी का भी काम हो गया, आपका मन भी प्रसन्न हो गया, थोड़ा आपका व्यायाम हो गया, हाँ तो ये कथाओं में होता है।